जादुई मछली। सुल्तानपुर गांव में सुरेश और रमेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। एक खास दिन सुरेश रमेश के घर आता है और क्या कर रहे थे रमेश? कुछ खास नहीं यार, कॉलेज बंद है तो बेकार बैठा था। तुम इस तरफ कैसे आ गए ये बताओ। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्या बात है बोलो तो। अरे कल मेरा जन्मदिन है, मैं अपने सभी दोस्तों के लिए एक बढ़िया सी पार्टी रखना चाहता हूँ। ओह कल तुम्हारा बर्थडे है? हाँ कल ही है, तो क्यों ना कल की पार्टी को बढ़िया बनाने के लिए आज नदी किनारे चलें। बढ़िया बनाने के लिए नदी किनारे? हमारी नदी की मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट होती है, इसलिए हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे और कल उन्हें फ्राई करके साथ में पार्टी में खाएंगे। तो ठीक है चलो चले। वो दोनों फिर नदी में जाते हैं और छड़ी से मछली पकड़ना शुरू करते हैं। वे छोटी छोटी मछलियां पकड़ते हैं। काफी देर बाद सुरेश कहता है, रमेश हम केवल छोटी छोटी मछलियां ही पकड़ पा रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी मछलियां पकड़नी पड़ेंगी और ये बहुत कठिन होगा। हम बस एक बार और कोशिश करते हैं और अगर फिर भी कोई बड़ी मछली नहीं फंसी तो चले जाएंगे। रमेश वहां देखो, एक बड़ी मछली की तरह लग रही है वो मछली। चलो छड़ी छोड़ो और बड़ी मछली पकड़ने के लिए जाल निकालो। ओह माय गॉड, ये मछली तो बहुत बड़ी है। रमेश फिर बड़ी मछली पर जाल डाल देता है, वो जाल में फंस जाती है और बाहर निकलने के लिए छटपटाती है। वो दोनों धीरे धीरे मछली को जाल से बाहर निकालते हैं। फिर अचानक मछली बात करने लगती है। मैं तुम दोनों को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर रमेश और सुरेश दोनों इधर उधर देखते हैं कि आखिर बोल कौन रहा है। बाद में वो मछली को देखते हैं और डरो मत, ये मैं हूँ, मैं ही तुमसे बात कर रही हूँ। मैं एक जादुई मछली हूँ और एक श्राप के कारण मैंने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी थी और एक साधारण मछली में बदल गई थी। तुम्हारे स्पर्श से मैंने अपने श्राप से छुटकारा पा लिया। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। हमें इस तालाब से कुछ मछलियों के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। हमने कल दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी करी है। मैं तुम्हारी सादगी से बहुत प्रसन्न हुई। आगे भी जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आकर कहना, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मछली ने फिर उन्हें कुछ और मछलियां दी और वापस नदी में चली गई। मधु गांव से अपनी पत्नी सुभद्रा और बेटी सोनी के साथ शहर आया। वो अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था। एक दिन हमेशा की तरह वो काम पर जाने के लिए उठा, तभी उसने देखा कि टीवी पर एक घोषणा की जा रही है, शहर में हालात अच्छे नहीं और इसीलिए जब तक हम कोई घोषणा नहीं करते किसी को भी सड़कों पर घूमने की इजाजत नहीं है। अगर कोई सड़क पर दिखाई देता है तो उस पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। घोषणा सुनते ही मधु चिंता में पड़ गया। अब हम कैसे गुजारा करेंगे सुभद्रा? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन ये घोषणा कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए तो काम के लिए कैसे जाएंगे? इन्होंने अभी कितने दिनों तक ऐसा रहेगा ये थोड़ी ना बताया है, इसीलिए टेंशन लेना बंद करो। ठीक है तो मुझे किसी भी कीमत पर आज काम पर जाना ही होगा। ठीक है मधु, तुम्हारे काम पर जाने का समय हो गया है। हालांकि मधु ने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका दिमाग आने वाले दिन की चिंता में था। वो सोच रहा था कि इस लॉकडाउन के दौरान कैसे और कितने दिनों तक गुजारा होगा। शाम को जब वो वापस आता है तो घर के लिए जरूरी सामान लाता है। इतनी सारी चीजें देखकर उसकी पत्नी, अरे इतना सारा सामान एक ही बार में क्यों ले आए, ये तो कई दिन के लिए है। कल से हमें घर पर ही बंद रहना है और इसलिए मैं अगले 4 दिनों के लिए जरूरी चीजें लेकर आ गया हूँ। इन्हें संभाल कर रख लो, खराब ना हो। सुभद्रा सामान को अंदर ले जाती है और मधु अपनी बेटी के साथ खेलने लगता है। अगले दिन फिर वे सरकार द्वारा की गई नई घोषणा को सुनते हैं। हम देश के नागरिकों से बार बार घर पर रहने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करके साफ करते रहें और कृपया घर पर ही रहें। तभी घर की मालकिन भाग्या उनके घर आ जाती है। देखिए शहर के हालात बद से बदतर हो गए हैं,
कृपया हमारा घर खाली कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इस बीमारी से संक्रमित हो जाएं। देखिए, हम खुद को घर में ही बंद रखेंगे, हमें अचानक खाली करने के लिए मत कहिए। इस मुश्किल समय में हम कहां जाएंगे, हमारी छोटी बेटी भी है, इसलिए प्लीज ऐसा करने से पहले एक बार सोचें। देखिए, मैं प्यार से विनती कर रही हूं, तो कृपया सुन लीजिए, नहीं तो मैं आपका सारा सामान सड़क पर फेंकवा दूंगी। मेहरबानी करके हमें 2 दिन का समय तो दे दीजिए। भाग्या मधु की बात मानकर वहां से चली गई। मधु, ये क्या हो गया, हम क्या करें और अब कहां जाएं? तुम चिंता ना करो, मैं बाहर जाकर कमरे की तलाश करूंगा। क्या हमें इतने बड़े शहर में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी? मधु फिर हर गली में कमरा खोजने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता और वो हर जगह खोजते खोजते थक जाता है। जब वो घर लौट रहा होता है तो उसे सड़क के किनारे बड़े बड़े पाइप पड़े मिलते हैं। उन्हें देखते ही, मैं हर जगह घूमते घूमते थक गया हूँ और इस महामारी के दौरान कोई भी किराए पर घर देने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि अब बस ये बड़े पाइप से सिर छुपाने के लिए आसरा बन सकते हैं। मैं तुरंत जाकर अपने परिवार को यहाँ लाऊंगा, क्योंकि इस घर में रहने के लिए कोई बिजली या किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ये मेरे जैसे परिवार के लिए काफी है। फिर वो पाइप के आसपास की जगह को साफ करता है और अपने परिवार को वहां ले आता है। हालांकि परिवार को वो जगह पसंद नहीं आती, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं होने से उन्होंने वही बसेरा कर लिया।